खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो रियलिटी शोज हो रहे हैं ना, उसमें बच्चे बहुत अच्छे गाते हैं, लाजवाब, लेकिन उनको बोलने के लिए ऐसे घनश्याम वासवानी जी जैसे, विवेक प्रकाश जी जैसे जज होने चाहिए। खाली दिखावे की जजमेंट होने से नहीं होगा। ऐसे गुरुजन जब होगा तो एक बच्चे को समझ में आएगी कि संगीत क्या है, क्या है, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया होती है कि जब तक वो बॉलीवुड में नहीं गाए तो उनको जज नहीं बनाया जाएगा। ये बहुत गलत बात है। मैंने एक शोज में देखा कि बच्चे को ठुमरी गाने के लिए बोला गया, वो गजल गाया और उसने अल्फाज भी बहुत गलत गाया और जजेस उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, तो बच्चे का क्या फ्यूचर होगा बताइए। ये सब बातों को सोचते हुए ये जो बहुत दुख होता है कि हम लोग जान दे रहे हैं अपने संगीत के लिए और ये कुछ भी करके लाखों का कमा रहे हैं और हम लोग को पैसा ही नहीं मिलता है। आप देखिए ना इस बात का, और हम तो उनके स्टेज में नहीं जा रहे ना, लेकिन हमारे स्टेज में वो क्यों हावी हो गए। वो स्टैंड अप कॉमेडियन, वो तामझाम हमारे सिंपल स्टेज में क्यों आ गए हैं। सही बात है। तो हमारे कलाकार तो अभी परिवार छोड़ छोड़ के अमेरिका चले जा रहे हैं, यूरोप चले जा रहे हैं कि घर संभालना है। अगर उन लोग चले जाए तो भारत किसके लिए जाना जाएगा बताइए। उनके स्टेज में हमारे शास्त्रीय संगीत की बातें हो, उनके कलाकारों को इक्वली, जैसे ग्लैमरस वर्ल्ड के सब फिल्म स्टार को लेके आते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को लेके आते हैं, सेम वहाँ पर शास्त्रीय कलाकारों को वही सम्मान दे के लेके आए। क्योंकि पहले शास्त्रीय कलाकारों का सम्मान सबसे ज़्यादा था। मैं बता रही हूँ कि ओंकारनाथ ठाकुर जी किसी की परवाह नहीं करते थे, वो प्रधानमंत्री को भी बैठा देते थे अपने उसमें से, खान साहब के सामने राष्ट्रपति भी थरथरा रहते थे, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। आज ये हमारी कमी है कि हम अपने आप को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, अपने संगीत को हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम सब अपने संगीत को सम्मान देंगे तो हम वही जगह छीन के लेंगे। जो मैंने अभी ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में मैं गई थी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें सारे वर्ल्ड के खाली फिल्म स्टार ही थे, प्लेबैक सिंगर थे, मैं ही एकमात्र गायिका थी। और मैं जब उतरी गा के चार ही लाइन गाई थी तो जीना तमान जी ने कहा कि यू मेड अ डे, आपने पूरा इवनिंग को छीन के चले गए चार लाइन में।